हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट आई आई एस टी ऑलरेडी एट राउंड इज कम्पलीटेड आज जो है आई का आठवां राउंड आया था तो भैया क्या पोजीशन रही कौन सा कोर्स की ज्यादा डिमांड है किस कोर्स पे एडमिशन मिल रहा है इन द फ्यूचर एंड ओके okay, स्टूडेंट्स तो देख लेते हैं यार जो आठवां राउंड जो आया है इसका क्या पोजीशन रहा है क्या पोजीशन नहीं रहा क्या इसकी रैंक कैटेगरी वाइज सब कुछ चर्चा करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस कोर्स की सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है इस टेन कोर्सेज के अंदर तो एक नंबर पे है एयरोपेस इंजीनियरिंग ठीक है जिसका ऑफ सबसे ज्यादा हाई है देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देन उसके बाद डिवल डिग्री जो कोर्सेज है ठीक है तो ये सारा सीन चल रहा है आज मेजरली मैंने जैसे ही किया मेरे एटलीस्ट चौदह स्टूडेंट्स ऐसे थे हैं जिनका जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एटलीस्ट आठ आठ, आठ रैंक कम हुई उनकी किसी के साथ किसी के आठ किसी के नौ ऐसे ऐसे कुछ देखने को मिला है ड्यूअल डिग्री जो कोर्सेस था उसकी एटलीस्ट सत्रह अठारह कम हुई है और जैसे अगर अपन पिछला जो री एवोल्यूशन किया गया था फर्स्ट नंबर का उसके अंदर एटलीस्ट तीन सौ रैंक बच्चों की मतलब इंक्रीज हो गई यानि की तीन सौ रैंक बच्चे जैसे डायरेक्टली आगे आ गए ओके तो अब अपन बात करते हैं जैसे जो रिवोल्यूशन होता है वो सेकेंड राउंड जैसे ही होने वाला है एटलीस्ट आई थिंक ग्यारहवें राउंड के बाद होना चाहिए ओके जैसे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस डेट दी गई है ओके okay, स्टूडेंट्स तो उसके अंदर अगर अपन बात करिए जिन बच्चों की जनरल कैटेगरी वगैरह है ओके okay, तो आज जो है आठवा राउंड आ गया था ओके okay, और जो रिवेलिडेशन होगा सेकंड वाला ओके okay, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं रखा एक सेकंड में निकालता हूँ रैंक ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो रिवेलिडेशन किया था अपन ने एटलीस्ट दो नवंबर को था देन, उसके बाद देन ये नो है दस है ग्यारह के बाद में फिर से रिवेलिडेशन करना पड़ेगा रिवेलिडेशन क्या होता है जिन बच्चों को पता नहीं है मतलब सभी को पता होगा क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चे अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसीलिए वीडियो देख रहे होंगे तो यार अगर तुमको फिर से मतलब कुछ मिला नहीं है और फिर से आगे के लिए रेडी रहना है कि हम लेंगे आगे बढ़ेंगे ठीक है एंड वोमेंट तक लड़ेंगे तो उसके लिए आपको फिर से अपने आप को वेलीडेट करना पड़ता है जैसे अपनी वेलिडिटी बढ़ानी पड़ती है तो उसको बोलते हैं रिवेलिडेशन ओके स्टूडेंट्स तो यार यही सीन चल रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी सबसे ज्यादा डिमांड है एरोस्पेस की देन उसके बाद ईसी की देन उसके बाद डिवल डिग्री कोर्सेज की डिवेल डिग्री कोर्सेस की डिमांड यानी कि डिवेल डिग्री कोर्सेस को सबसे पीछे माना जा रहा है जो डिवेल डिग्री कोर्सेस हैं ऑलमोस्ट बच्चों को जनरल कैटेगरी वालों को वही मिल रहा है ओके तो ये सारा चीज चल रहा है एरोस्पेस की मतलब एरोस्पेस एक, एक नंबर पे देन है देन उसके बाद ई सी देन उसके बाद डिवेल डिग्री कोर्सेस है ओके स्टूडेंट्स और जिनको स्टिल मतलब बहुत ज्यादा हाई रैंक है तो यार वो तो स्पोर्ट राउंड भी होगा इसके अंदर एटलीस्ट हमेशा ही होता है ओके okay, तो जस्ट थोड़ा वेट करें स्पोर्ट राउंड तक का ओके okay, तो आपको स्टिल कुछ ना कुछ मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे जोसा का फाइव राउंड का वेट कर रहे हैं कि फाइव्थ राउंड तक अपनी सीट जो है लेफ्ट कर लें किसी का आयसर के अंदर मिल रहा है किसी को नाइसर में मिल रहा है किसी को जेक दिल्ली किसी को बिट्स पिलानी एंड किसी को आई की जी पी टीय रीप राजस्थान यू पी टी यू मतलब वगैरह वगैरह जो भी काउंसलिंग होती है तो उसके कारण यार कुछ कुछ सीट्स वैसे दस पंद्रह किसी राउंड में जैसे री होता है तो एटलीस्ट वहाँ पे तीन सौ चार सौ रैंक का भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है जैसे ये सेकेंड राउंड आएगा रिवेलिडेशन का ओके okay, तो इसके अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर एटलीस्ट बच्चों की 300 से 400 रैंक का डिफरेंस देखा गया था रिवेलिडेशन के अंदर कम हो गई थी तो अभी जस्ट 400 से 500 सौ का चार सौ से 500 से ज्यादा ही मान सकते हो आप उसका डिफरेंस देखने को मिलेगा सेकेंड रिडेशन के अंदर तो स्टिल यार डटे रहो जिनको मतलब कुछ मिल नहीं रहा है वो तो ज्यादा निराश ना हो जरूर मिलेगा ओके okay, स्टूडेंट्स तो एंड मोमेंट तक लड़ना है ओके okay, जस्टे और स्पोर्ट राउंड वगैरह के लिए जिन बच्चों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और मतलब सीट लेना चाहते हो ठीक है तो जस्ट लाइक हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हो इसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि भैया तुम्हें सीट नहीं मिली तो कोई फायदा नहीं है ठीक है हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम बच्चों को सीट दिलाते हैं तभी हम पैसे लेते हैं कि अगर हम सीट नहीं दिला पाते तो हम पूरा रिफंड करते हैं तो हमारा जिस इसको गारंटेड प्लान बोलते हैं हम गारंटेड एडमिशन प्लान जिसके अंदर हम जस्ट उनको सीट दिलाते हैं ही दिलाते हैं किसी भी हाल में ओके okay, स्टूडेंट्स तो जिसको भी जैसे एडमिशन चाहिए तो वो नीचे व्हाट्सअप पे कॉन्टेक्ट कर सकता है ओके स्टूडेंट ठीक है मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे अभी जो नाइन राउंड होने वाला है फिर से कंप्लीट ओके स्टूडेंट्स तो आई थिंक ये दस नवंबर को आएगा ठीक है तो आपको जो है इसकी फीस पेमेंट कर देनी है आठवें राउंड की अगर आपको मिला है तो और नोवा राउंड जो है दस तारीख को फिर से एक बजे आ रहा है और इसकी आपको बारह तारीख तक यानी कि दो दिन का समय मिल रहा है फिर उसके बाद एटलीस्ट ग्यारह के बाद रीवेलिडेशन फिर से अपने आपको को वेलीडेट करना पड़ेगा ठीक है बच्चे